So, भाई लो, इस साल की दिवाली सिंघम एंड भूल भुलैया वाली तो याद रहेगी, जहाँ सिंघम में रामायण ऐड करके हमें वो आदि पुरुष का ट्रॉमा याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखते हुए गवर्नमेंट ने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए नितेश तिवारी की रामायण को अनाउंस करने का डिसीजन लिया, ताकि आने वाली दिवाली में लोगों का दिवाला ना निकले। तो भाई लोग, यस, ढिंडोरा में नगर पिटवा दो, क्योंकि आज ही अचानक से भयानक अनाउंस हो गई है इंडिया की बिगेस्ट फिल्म रामायण का रिलीज डेट, जिसको लेकर पहले लोगों को लगा था कि ट्रायलॉजी होगी, यानी कि तीन पार्ट में आएगी, लेकिन अब क्लियर हो गया कि फिल्म दो पार्ट में आएगी, जहां पहला पार्ट आज से ठीक दो साल बाद दिवाली 2026 को रिलीज होगी, वही दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को रिलीज होगी। अब इसको अनाउंस किया है इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने, एंड बोले कि भैया देख लो, ऐसे फोटोशॉप करके पोस्टर डाला जाता है। अबे भाई, इंडिया की मच अवेटेड एंटीसिपेटेड इतनी बड़ी फिल्म है, आप ऐसे कैसे अनाउंस कर रहे, एटलीस्ट कास्ट का नाम तो डाल देते। खैर चलो, जाने दो, एटलीस्ट अनाउंस करके काफी चीजें ये लोग ने क्लियर कर दिया। अब देखो, जैसा कि ओम राउत को कूटा था पब्लिक ने आदि पुरुष के लिए, वैसे ही नीतीश तिवारी पे लोगों को कूट कूट के भरोसा है, एंड ये भरोसा तब आया जब उन्होंने इतनी परफेक्ट कास्टिंग की। आप देख लो ना, रणबीर कपूर एस श्री राम, रॉकिंग स्टार यश एस रावण, साई पल्लवी एस सीता मां। यार अब से आप ये नोटिस करना कि आने वाले टाइम में अगर आदि पुरुष के मेकर्स गाली खा रहे, तो समझ लेना कि नीतीश तिवारी की रामायण सही ट्रैक पे जा रही है। एंड भैया, मुझे 200% भरोसा है कि रणबीर कपूर यश एंड साई पल्लवी इतने डेडिकेटेड एक्टर है कि अपने इस रोल को ये लोग खा जाएंगे। अच्छा, रणबीर कपूर एंड यश से तो सारे लोग वाकिफ है, लेकिन जिन जिनको लगता है ना कि साई पल्लवी को एस सीता मां का रोल क्यों दिया है, तो चुपचाप जाकर उनकी अभी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म अमरन देख लेना, आपको समझ जाएगा कि नीतीश तिवारी कितने स्मार्ट है, इन्होंने कितनी परफेक्ट कास्टिंग की है। बाकी मानना पड़ेगा यार, प्रभास के बाद रणबीर कपूर एंड यश की लाइनअप इतनी लाजवाब है कि क्या ही बताऊं। आई मीन, रणबीर कपूर की लव एंड वार, ब्रह्मास्त्र 2, धूम 4, एनिमल पार्क एंड रामायण, वही यश की टॉक्सिक, रामायण, KGF 3। अब इनको इतनी इतनी तगड़ी स्क्रिप्ट मिल रही है ना, तो मतलब मालूम है कि यार ये लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे बिना डिसअपॉइंट किए। तो ओवरऑल लेट्स स्टे पॉजिटिव एंड सपोर्ट रामायण। हमें पता है कि हमारी उम्मीदें बहुत टूटी है, लेकिन हिम्मत आज भी उतनी है। भाई ऐसा है ना, आदि पुरुष का जख्म अभी तक भरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस रामायण का इंतजार करेंगे, फिर चाहे 4 साल 5 साल भी क्यों ना करना पड़े। अबे अगर नीतीश तिवारी की रामायण परफेक्ट निकली ना, तो थिएटर में लोग पूजा करेंगे, मैं लिख के देता हूँ। तो चलो भाई लोग, मैं तो डैम एक्साइटेड हूँ, आप लोग बताइए आप लोग का क्या ओपिनियन है इसको लेके। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, मैं घुमा फिरा के सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, मैं मुंह पे मांगता हूँ यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।